राहुल सुबह से शाम होने को जा रही है लेकिन अभी तक 1 लीटर भी दूध नहीं बिका है। कहीं ऐसा ना हो ये सारा का सारा दूध वापस घर ले जाना पड़े, मुझे तो यही लगता है। जब मोदी जी आधा आधा पानी मिलाओगे दूध में तो दूध बिकेगा कैसे? और आपका ही दूध थोड़ी ना बिका, मेरा भी तो दूध नहीं बिका है, अखिलेश का भी दूध नहीं बिका है, सारे के सारे लोग अपने यूं ही खड़े पड़े, कोई दूध लेने के लिए आ ही नहीं रहा। राहुल हमेशा तुम यही कहते रहते हो कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाते हो? आज जरा कोई ग्राहक आ जाए दूध लेने के लिए, आप दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अरे योगी जी आ गए, योगी जी क्या दूध लोगे? ताजा भैंस का प्योर दूध है, ले लो आकर। हाँ भाई मोदी जी आए तो हम दूध लेने के लिए हैं, क्या बताया जाए, जब से लालू जी ने अपनी भैंस पालना बंद की है तब से प्योर दूध मिलता ही नहीं है। अब देखो तुम तीनों में से किसका दूध प्योर होगा, मैं किसका दूध खरीदूं, राहुल का खरीदूं या मोदी जी आपकी भैंस का दूध खरीदूं या अखिलेश की भैंस का दूध खरीदूं? मैं तो कंफ्यूज हूँ, आखिर किसकी भैंस का दूध प्योर होगा? अरे योगी जी प्योर दूध तो मेरा ही था, देखो मैं तो सबसे पहले दूध बेचकर अपने बर्तन को धो रहा हूँ और अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे प्योर दूध बेचता हूँ और सबसे पहले मेरा दूध बिक जाता है। ज्यादा बड़ी बातें मत मारो, आज तुम्हारा दूध जल्दी बिक गया, कल तो तुम्हारा दूध सबसे लेट बिका था, हम सब लोग दूध बेचकर जा चुके थे तो तुम्हारा दूध बिका था। योगी जी किसी की बातों में मत आओ, मेरी भैंस का दूध सबसे प्योर है, मुझसे दूध खरीद लो। कितना लीटर दूध लोगे बताओ? 50 रुपए लीटर दूध लगा दूंगा, ले लो। मोदी जी 50 रुपए लीटर तो दूध महंगा बता रहे हो, जो सबसे सस्ता दूध देगा मैं उसी का भैंस का दूध खरीदूंगा। योगी जी 40 रुपए लीटर खरीद लो मेरी भैंस का दूध। तुम 40 रुपए लीटर अगर राहुल बेचोगे तो मैं भी 35 रुपए लीटर के भाव बोलता हूँ। योगी जी ले लो मेरा 35 रुपए लीटर दूध। अरे तुम सब लोगों ने तो दूध की बोली शुरू कर दी। योगी जी लालू जी मेरा दूध खरीद लो, 30 रुपए लीटर लगा दूंगा मैं अपना दूध, मेरी भैंस का दूध बिल्कुल गाढ़ा होता है, खरीद लो। अच्छा अखिलेश तो क्या हमारी भैंस का दूध पतला होता है? मैं भी अपनी भैंस का दूध 25 रुपए लीटर देने के लिए तैयार हूँ, खरीद लो। अरे योगी जी ये तो उल्टी गंगा बहाने लगे, मेरा मतलब दूध की सस्ती बोली लगाने लगे। अब मोदी जी ने 25 रुपए लीटर के हिसाब से दूध की बोली लगाई है, ये बताओ 25 रुपए लीटर क्या प्योर दूध मिलेगा? मुझे लगता है इनका किसी का भी प्योर दूध नहीं है, इनसे दूध नहीं खरीदेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ये बताओ इस खजूर के पेड़ पर तुम चढ़े कैसे? ये खजूर का पेड़ तो मेरा है और कल मैं इस खजूर के पेड़ पर मटके लटका कर गया था खजूर का रस इकट्ठा करने के लिए। अब जब मैं रस से भरे हुए मटके उतारने के लिए आया तो मैंने देखा कि तुम पेड़ पर चढ़े हुए हो। तुम कैसे मटके उतार रहे हो इस पेड़ पे से? ये पेड़ तो मेरा है। अरे मोदी जी आपको कंफ्यूजन हो गई है, आप सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पर हजारों पेड़ हैं, आप भूल गए हो, ये पेड़ मेरा है और इस खजूर के पेड़ पर जितने भी मटके लटके हुए ये सारे के सारे मेरे मटके हैं। मैं कल इस पर खजूर के पेड़ पर ये मटके लटका कर गया था, देखो आज रस से भर गए, ये रस मेरा है और ये खजूर का पेड़ भी मेरा है, आप भूल में हो। राहुल कहाँ की भूल की बात कर रहे हो, भूल में तुम हो, मैं भूल में नहीं हूँ, ये खजूर का पेड़ मेरा है समझे। इस पेड़ पर लटके हुए सारे मटकों में मेरा रस है खजूर का, मैं तुम्हें एक भी मटका नहीं उतारने दूंगा। आजकल वैसी खजूर के रस से बने हुए गुड़ का रेड मद्दा है, ऊपर से तुम मेरे खजूर के पेड़ को अपना बताकर मेरा नुकसान करने में लगे हुए हो। राहुल तुम्हारे खजूर के पेड़ वो आगे वाला जो पेड़ है वहां से शुरू होते हैं, यहाँ तक खजूर के पेड़ मेरे हैं, भूल में तुम हो, भूल में मैं नहीं हूँ। इस खजूर के पेड़ से एक भी मटका मत उतारना, कह देता हूँ मैं। देखो मोदी जी जिस खजूर के पेड़ पर मैं चढ़ा हुआ हूँ इसी पेड़ से मेरे खजूर के पेड़ों की गिनती शुरू होती है। अरे नहीं राहुल तुम भूल में हो, इससे आगे वाले पेड़ से तुम्हारी गिनती शुरू होती है, यहाँ तक मेरे खजूर के पेड़ हैं। देखो मोदी जी तुम कुछ भी कर लो, ये सारे के सारे जो मटके लटके हुए हैं खजूर पर रस से भरे हुए, ये एक भी मटका मैं आपको नहीं दूंगा, कह देता हूँ मैं आपको। राहुल तुम तो अजीब सी जिद पर अड़े हुए हो, ये बताओ आप कैसे फैसला होगा ये पेड़ तुम्हारा है या मेरा है? यहाँ पर तो हजारों खजूर के पेड़ हैं और सब लोगों ने किसी ने 200 किसी ने 300 किसी ने 100 खजूर के पेड़ खरीद रखे हैं, मैंने 500 खजूर के पेड़ खरीद रखे हैं और तुमने 100 खजूर के पेड़ खरीद रखे हैं, और अपना लोग इन खजूर के पेड़ों से रस निकाल कर और उस रस का गुड़ बनाकर मंडी में बेचकर गुड़ को पैसा कमाते हैं। तुम भूल चूक में हो, ये खजूर का पेड़ तुम्हारा नहीं है, एक भी मटका मैं इस खजूर के पेड़ से तुम्हें नहीं उतारने दूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वाली टी शर्ट भाई साहब कितने की लगेगी? ये वाली पिंक वाली ये वाली टी शर्ट कितने की लगेगी? कितने रुपए की दोगे? सही सही दाम बताना, मैं 3-4 दुकान छोड़ के आपकी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ। अरे अखिलेश अगर तुम खरीदने के लिए आयो कपड़ा एहसान में थोड़ी आयो,
सस्ता कपड़ा भी तो बेचता हूँ मैं। अरे ये वाली टी शर्ट 500 रुपए की लगेगी। अरे मोदी जी, 500 रुपए की टी शर्ट का दाम तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। आप तो बहुत सस्ती टी शर्ट बेचते थे, इस एक पिंक टी शर्ट के दाम तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीदूंगा। अखिलेश पूरी बात तो सुन लिया करो, भाई जी नहीं खरीदोगे। अरे 500 रुपए की 5 है ये पिंक वाली टी शर्ट, एक के दाम नहीं बताए मैंने, ये 5 टी शर्टों का सेट है, एक साथ बेचूंगा मैं। हाँ अब दाम ठीक है इसके, 100 रुपए की एक टी शर्ट पड़ जाएगी जब 500 की 5 है, लेकिन मैं तो एक ही खरीदूंगा, 5 तो नहीं खरीदूंगा। 100 रुपए ले लो, एक दे दो। ऐसा नहीं चलता है अखिलेश, जाओ कहीं और जाकर खरीदो। अगर तुम्हें 5 टी शर्ट खरीदना हो तो 500 रुपए दो, नहीं तो एक अलग से नहीं दूंगा मैं, 5 टी शर्टों का सेट है ये पूरा। अरे मम्मी जी अखिलेश जो ये पिंक वाली टी शर्ट ले रहा है ये मुझे भी दिलवा दो, मैं भी लूंगा एक पिंक टी शर्ट। देखो अखिलेश के हाथ में पिंक वाली टी शर्ट है, कितनी बढ़िया टी शर्ट लग रही है, मुझे भी ये मोदी जी के पास से दिलवा दो। अरे मेरे बेटे राहुल कितने कपड़े खरीदेगा, 1 साल पहले मैंने तुझे दिवाली पे तो कपड़े दिलवाए थे और तू फिर से कपड़े खरीदने की बात कर रहा है। सोनिया जी आप भी अजीब बात करती हो, दिवाली अभी हुई थी, 1 साल पहले की बात कर रही हो, 1 साल पहले आपने कपड़े दिलवाए थे, अब राहुल को और कपड़े दिलवाओ। अरे मोदी जी ये सफेद वाली टी शर्ट मेरे हाथ में है, ये कितने की है ये बताओ, इसके दाम बताओ। अरे मायावती जी इसे तो मैं बाहर रखना भूल गया, इसके पीछे देखो इस टी शर्ट को चूहे ने कुतर दिया है, मैं बाहर रखना भूल गया, इसे तो फ्री में ले जाओ, फ्री में दे देता हूँ मैं। अरे मोदी जी जिस तरीके से चूहे की कुतरी हुई टी शर्ट आपने मायावती जी को दे दी, इसी तरीके से जेंट्स की कोई चूहे की कुतरी हुई टी शर्ट पड़ी है वो मुझे दे दो। राहुल तुम्हारी भी नजर भी फ्री की चीजों पे रहती है, क्या मेरे हर कपड़े को चूहा कुतरता रहेगा? वो तो सफेद वाली इस लेडीज टी शर्ट को चूहा कुतर गया था, इसलिए मायावती जी को दे दी मैंने। और अगर तुम्हें कपड़े खरीदना है तो पैसे देकर खरीदो, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।